आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुख करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस सरकारी बंगले में रहते हैं उस पर बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। दरअसल विपक्षी पार्टी बीजेपी का आरोप है कि बंगले में सौंदर्यकरण के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, तो अब इसको विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया है। दिल्ली बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे तक की मांग कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये रकम बंगले के रेनोवेशन पर नहीं बल्कि पुराने बंगले को तोड़कर नए आवास बनाने पर खर्च हुआ है। ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का खेल देखने को मिल रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।